चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क करने की जीतोर कोशिशों में लगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के वैज्ञानिकों समेत हजारों कर्मियों का बड़ा झटका लगा है। चंद्रयान 2 मिशन में आई खामी से दबाव के बावजूद फिर से मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जी जान से जुटे इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों सहित हजारों सीनियर कर्मचारियों के इंक्रीमेंट में कटौती हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार के उप सचिव एम रमदास के सिग्नेचर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के निर्देश पर अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आने वाले SD, SE, SF और SG ग्रेड के वैज्ञानिकों इंजीनियरों को 5वें वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाले 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स को बंद कर दिया गया है। ये आदेश 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। ये ज्ञापन जून 2019 में जारी किया गया था। सरकार के इस कदम को लेकर इसरो के कर्मियों पर काफी निराशा था। डॉक्यूमेंट के अनुसार इसको देखते हुए स्पेस इंजीनियर एसोसिएशन SAE के अध्यक्ष ए मणिरमन ने इसरो चेयरमैन के सिवन को 8 जुलाई को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि वह सरकार से अपना फैसला वापस लेने के लिए आग्रह करे। एक वरिष्ठ विज्ञानी के अनुसार सरकार के ताज़ा कदम से इसरो कर्मियों को हर महीने औसतन 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। अपने पत्र में मणिरमन ने कहा है कि इसरो वैज्ञानिकों इंजीनियरों को मिलने वाले इन इंक्रीमेंट्स को हटाने के पीछे सरकार ने 6वें वेतन आयोग में किए गए संशोधित भुगतान का हवाला दिया है, लेकिन खुद वेतन आयोग ने 1996 के इन इंक्रीमेंट्स को जारी रखने की सिफारिश किया था। इसी बीच चंद्रयान 2 को लेकर इसरो पर गर्व कर रहे सोशल मीडिया यूजर्स को भी इस खबर से झटका लगा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों ने इसे देश की असली नायकों इसरो वैज्ञानिकों के साथ सरकार का क्रूर मजाक बताया है। कई लोगों ने इसे दोहरा रवैया करार दिया है। पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि 1 महीने पहले इसरो के वैज्ञानिकों की तनख्वाह घटा दी गई। वैज्ञानिक नाराज हुए, गुहार लगाई कि वेतन ना काटा जाए, तब उनके साथ कोई नहीं आया। वैज्ञानिकों ने अपने चेयरमैन को पत्र लिखा कि हम बहुत हैरत में हैं और दुखी है, लेकिन कोई गर्विला इंडियन उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तनख्वाह भी तब काटी गई जब वैज्ञानिक चंद्रयान लॉन्च करने की तैयारी में लगे थे। केंद्र सरकार ने लॉन्चिंग से ठीक पहले आदेश दिया कि इसरो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को 1996 से मिल रही 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों को बंद किया जा रहा है। ये एक तरह के प्रोत्साहन अनुदान राशि थी। ये वेतन वृद्धि भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हुई थी। वैज्ञानिक दरोगा तो है नहीं कि घूस भी ले लेता, ना वो नेता है कि 2-4 अंबानी अडानी पाल रखे हो, उसकी तनख्वाह के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। 23 साल से मिल रही बड़ी तनख्वाह को काट लिया गया। जब चंद्रयान लॉन्च हो गया तो नेताजी अपना कैमरा और गोदी मीडिया लेकर आए, वैज्ञानिक से गले मिले, भावुक हुए और बोले कि हमें गर्व है। आपने और हमने भी दांत चियार दिया कि हाँ जी, आप कह रहे हैं तो हमें भी गर्व है। नेताजी बोले कि पूरा देश वैज्ञानिकों के साथ है। आपने फिर से खीस निपोड़ दी कि हाँ जी, सब साथ है। अब तक तो किसी को किसी चीज पर ना गर्व था, ना देश अपनी सेना और संस्थाओं के साथ था। अब तक जो 5 युद्ध लड़े गए, भारत स्पेस का महारथी बना, उसमें देश उनके साथ कहाँ था। वह सब देश से अलग कुछ हो रहा था। जैसे 2014 के पहले आप भारत में पैदा होने के लिए शर्मिंदा थे, वैसे हम भी शर्मिंदा थे। आपके रूप में विष्णु जी ने अवतार ले लिया, अब हम धन्य हो गए। ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि चुनाव जीतना है। पुलवामा और बालाकोट की तरह ही इस बार चुनावी रैली में चंद्रयान का बाजार लगा दिया गया है। आप फिर से दांत चियार दीजिए कि हाँ जी, गर्व है, वोट आपको ही देंगे, बस वैज्ञानिकों की तनख्वाह काट लेंगे और पूरा देश मिलकर इसरो पर गर्व करेंगे। नेता सेना से लेकर इसरो तक को चुनावी लाभ के लिए बेच दे रहा है। जिस किसान के बेटे ने वैज्ञानिक बनकर 100 से ज़्यादा उपग्रह लॉन्च में योगदान दिया है, उसे घसीट कर गले लगा लिया और सब भाव विभोर हो गए। जिस पाकिस्तान को हम 4 दशक पहले 2 टुकड़े में तोड़कर उसके 95,000 सैनिकों का संप्रण करवा चुके हैं, उसी पाकिस्तान में गोला फेंक कर भाग आने के लिए नेता कहता है गर्व करो और आप गर्वीले हो जाते हैं। फिर नेता कहता है कि गर्व है तो हमें वोट करो, बस आप वोट कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।